शहर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। संक्रमण में सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे विवाह समारोह में जुट रही भीड़ पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने फिर से नियमों को सख्त कर दिया है। लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह में 50 लोगों की उपस्थिति और पूर्व अनुमति की शर्त लागू कर दी है। इस बीच लॉन, मंगल कार्यालयों को औचक निरीक्षण कर जांच भी शुरू कर दी। इन बंदिशों के बावजूद न तो बराती खुद पर नियंत्रण पा रहे हैं और न शादी वाले लगाम कस पा रहे हैं। ऐसे में लॉन, मंगल कार्यालयों में नियमों की धज्जियां उड़ रही है। 6 लॉन, मंगल कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं होने से उनके खिलाफ 1,89,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। इसमें वर्धा रोड, हिंदुस्तान कॉलोनी स्थित चंद्रमणि हॉल से 25,000 रुपए, धर्मपेट स्थित कुसुमताई वानखेड़े सभागृह से 10,000 रुपए, वर्धमान नगर स्थित सात वचन लॉन से 15,000 रुपए, HB टाउन स्थित होटल गोमती से 5,000 रुपए, गोरेवाड़ा रोड स्थित श्याम लॉन से 25,000 रुपए और KRC लॉन से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस बीच 3 दिन में मनपा ने 267 लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह की जांच कर उनमें नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच की। हालांकि ज्यादातर में आयोजन नहीं मिले। नवंबर के बाद कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आई है। ऐसे में लोगों ने बड़े पैमाने पर विवाह समारोह के आयोजन किए। 2 महीने पहले से इसके नियंत्रण कार्ड भी बांट दिए हैं। अचानक कोरोना संक्रमण में आई तेजी से नए नियम लागू होने से विवाह समारोह के आयोजकों की दिक्कतें बढ़ गई है। निमंत्रण पत्रिका बांटने के बाद अब कैसे लोगों को ना कहे, ये सवाल परेशान कर रहा है। ऐसे में जिन्हें निमंत्रण पत्रिका दी गई है वे सभी शादियों में शामिल हो रही हैं, जिस कारण नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है।